चलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो यार गाइस, कैसे हैं आप लोग? यार काफ़ी समय हो गया, लगभग 8-10 दिन हो गया चैनल पे कोई भी वीडियो नहीं आया था। इसका रीज़न यही था कि मेरा बाइक जो है चोरी हो गया था। जी हाँ गाइस, फिलहाल तो अभी मेरे साथ है मेरा बाइक, बट मेरे बाइक के साथ क्या क्या हुआ था मैं हर एक एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा। और जो गलती मैंने किया था ना, वो गलती आप दोबारा कभी मत करना। तो क्या गलती मैं किया था जानने के लिए आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो गाइस, अभी मैं आपको बताता हूँ कि मेरे बाइक के साथ क्या हुआ था। फिलहाल तो अभी बाइक मेरे साथ में है। तो मैं जो है आज से कुछ दिन पहले मैं अपने फ्रेंड के घर पे गया हुआ था, और उनके घर पे गया हुआ था, वहाँ मैं नाइट पे उसी के घर में रुका हुआ था। और बाइक को जो है मैं उनके घर में जो पर्ची होता है ना, पर्ची में मैं अपना बाइक को खड़ा कर दिया था। और चारों तरफ दीवार था, एक छोटा सा गेट था जहाँ बाइक अंदर बाहर कर सकते थे, और चारों तरफ दीवार था, बीच में था पर्ची। तो पर्ची में अपना बाइक को खड़ा कर दिया था। खड़ा करने के बाद में हम लोग नाइट में सो गए। सोने के बाद में जब सवेरे हुआ तो बाइक को देखा, बाइक में तो कोई दिक्कत नहीं था, बाइक वहीं पे खड़ा था। तो मैं सीधा बाइक को गेट से बाहर निकाला। गेट से जैसे ही बाहर निकाला, वैसे ही एक मेरा दूसरा फ्रेंड आता है, वो बोलता है कि भाई तुम्हारे बाइक का तो वायर कटा हुआ है। तो जी हाँ गाइस, मेरे बाइक का वायर किसी ने काट दिया था। कहाँ पे काटा था वो भी दिखाता हूँ। तो गाइस, ये वो जगह है जहाँ पे ना वायर को कट कर दिए थे। ये यहाँ पे ना मैं अभी टेप लगा लिया हूँ, यहाँ पे मैं पूरा टेप लगा दिया। तो वायर ना पूरा यहाँ पे मतलब कि नंगा वायर हो गया था, और ये ना पूरा ऐसे ही बाहर निकला हुआ था। कुछ लोग बोल रहे थे कि यार कोई चूहा काटा होगा। तो देखो, चूहा ना ऐसी जगह पर वायर काटता है जहाँ उसको रहने के लिए सेफ जगह मिले। जैसे टंकी के नीचे में काट सकता था कहीं पे, या तो फिर सीट के नीचे में काट सकता था, लेकिन ना यहाँ पे कटा हुआ था। और ये वाला जो पोचर है ना, ये बिल्कुल अंदर रहता है ऐसे, लेकिन जब मैं देखा ना उस टाइम ये ऐसे बाहर की साइड निकला हुआ था। तो कोई चूहा तो यार इसको बाहर खींच के तो नहीं निकालेगा, कोई बंदा ही था जो छेड़छाड़ कर रहा था। अब पता नहीं यार वो चोरी करने के इरादे से आया था या बाइक को जानबूझ के छेड़छाड़ कर रहा था, ये पोचर ना ऐसे बाहर निकला हुआ था। तो यार ये तो चूहा का काम हो ही नहीं सकता, 100% है कोई बंदा ही था जो बाइक के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। ऐसा कुछ सीन हो गया था मेरे बाइक के साथ, वायर पूरा कट कर दिए थे। और मैं 100% बोल सकता हूँ यार ये कोई चूहा का काम नहीं था, ये किसी बंदे का ही काम था जो पता नहीं क्या सोच के आया था, छेड़छाड़ करने आया था या चोरी करने के इरादे से आया था, वो तो पता नहीं चला कि कौन किया था। कोई बंदा किसी बाइक के साथ ऐसा कैसे कर सकता है यार? कोई भी बंदा बाइक लेता है यार, वो भी मेहनत से ही, अपने पैसा से ही बाइक लेता है यार। हालाँकि मैं अपने पैसा से नहीं लिया हूँ, खुद बोलता हूँ यार, मेरे पापा मेरे को गिफ्ट दिए हैं। तो यार भाई, एक ड्रीम होता है यार, KTM बाइक हर किसी के पास रहता नहीं, एक ड्रीम होता है। मेरे पास भी ड्रीम था कि यार मेरे पास भी KTM का बाइक हो। पापा ने मेरे को गिफ्ट के तौर पे बाइक दिया, और कोई बंदा ऐसे ही आके यार छेड़छाड़ करके चले गया। ये बाइक क्या है, इसमें पूरा इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, इसमें आप लोग जहाँ देखोगे ना बस वायर ही वायर दिखाई देता है। अगर एक वायर भी इसमें कट हो गया ना, तो एक वायर के चलते ना पूरा बाइक जो है खड़ा हो जाएगा, बाइक कुछ काम का नहीं रहेगा। इस बाइक का ना एक एक वायर का सही रहना बहुत ज़रूरी है। अगर एक वायर भी गलती से कट हो गया ना, उसके चलते पूरा बाइक खड़ा हो जाएगा। और जहाँ पे ये वायर कट हुआ था ना, ये वायर पूरा यहाँ आर्मेचर से कनेक्ट होता है, जो कि बैटरी को चार्ज करता है, और बैटरी को चार्ज करता है तभी ये बाइक भागता है। और जब ये वायर ही अगर कट हो जाएगा तो बैटरी चार्ज कहाँ से होगा? चार्ज नहीं होगा तो फिर बाइक स्टार्ट ही नहीं होगा, फिर तो मेरा ऐसे ही 3-4 हज़ार का चूना ऐसे ही लग जाता है। तो यार देखो, कोई भी बंदा बाइक लेता है यार, वो भी मेहनत से बाइक लेता है। तो यार जो बंदा भी ऐसे करता है ना दूसरों के बाइक के साथ, तो यार किया मत करो यार, दिल से बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। सोच के देखो, अगर कल के डेट में भी आपके पास कोई भी बाइक होगा, चाहे छोटी बाइक हो या बड़ी बाइक हो, आप अगर अपने पैसे से बाइक लोगे और कोई बंदा आपके बाइक के साथ ऐसे छेड़छाड़ करेगा, तो यार आपको कितना ज़्यादा बुरा लगेगा। मैंने बस यही गलती कर दिया था कि बाइक को थोड़ा बाहर जगह में खड़े कर दिया था। वहाँ थोड़ा मुझे लगा कि यार वो सेफ जगह है, तो लेकिन वो सेफ़ नहीं था, कोई बंदा के छेड़छाड़ कर ही दिया। तो यार जो गलती मैं किया था ना, वो गलती आप बिल्कुल ही मत करना। आप कहीं पे भी जा रहे हो या अपने घर पे भी बाइक खड़ा कर रहे हो ना, तो ऐसे जगह पे खड़ा करो जहाँ बंदा बाइक को टच कर भी नहीं सकता। खुले में बिल्कुल भी गाड़ी खड़ा मत करना। ये चीज़ देख के ना मेरे को भी बहुत ज़्यादा दुख हुआ। और हाँ, जो बंदा ये कांड किया है, अगर मेरा वीडियो देख रहे ना, तो भाई सुन लो, आज तुम मेरे बाइक के साथ ये कांड किया हो ना, कल तुम्हारे बाइक के साथ ही कोई दूसरा बंदा करके जाएगा। तो गाइस, फिलहाल तो बाइक मेरा ठीक ठाक है, और ये मेडगार्ड निकालने के बाद में ना बाइक बहुत ज़्यादा ओसम लग रहा है। और कुछ लोग बोल रहे थे कि यार तुम ये वाला मेडगार्ड को भी निकाल दो बोल के, ये पीछे वाला। तो इस पर आप लोगों का क्या विचार है, आप लोग फिर से कमेंट करके बताना। अगर आप लोग कमेंट करके बोलते हो इसको निकाल दो, तो हम लोग इसको भी क्या कट करके निकाल देंगे। इसको कट करने के बाद बाइक का जो लुक आएगा ना, आप लोग समझ सकते हो। गाइस, आज के लिए बस इतना ही यार। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। और इतना दिन से वीडियो इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि मैं ना कुछ दिन से प्रॉब्लम पे चल रहा था, और मेरे को कोई भी वीडियो वगैरह शूट करने में मेरा मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं वीडियो वगैरह शूट नहीं कर रहा था। बट कोई बात नहीं, अभी जो है रेगुलर वीडियो आएगा, हर एक दिन या हर 2 दिन में एक वीडियो आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।